हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। ह्यूमन हार्ट हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। हार्ट जो है ह्यूमन बॉडी की लाइफलाइन है, इसलिए इसको मोस्ट वाइटल ऑर्गन कहते हैं। हार्ट इज़ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या है? मसल्स का बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन। अंदर से खाली होता है, इसलिए हॉलो कहते हैं इसको। और ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन है पम्प ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है ब्लड को पम्प करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स और अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है। देन शेप, शेप इसकी रफली कोन शेप होती है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है वैसी शेप होती है इसकी, रफली कोन शेप। साइज़, साइज़ ऑफ ओनर्स फिस्ट, मतलब जिस पर्सन का हार्ट है उसका जो फिस्ट है, फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी जो है, उसके आकार का, उसके साइज़ का जो है उसका हार्ट होएगा। वेट, वेट मतलब भार इसका फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। फीमेल्स में होता है 225 ग्राम्स और मेल्स में इसका जो वेट है वो होता है 310 ग्राम्स, 310 ग्राम होता है। लेंथ, लंबाई इसकी होती है अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर। विथ मतलब चौड़ाई इसकी अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस, मोटाई इसकी अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर होती है। और जो इसके दो पार्ट होते हैं, दो पोर्शन होते हैं मेन, ऊपर वाला जो है ब्रॉड पार्ट है, ऊपर वाला मतलब चौड़ा पार्ट है उसको हम कहते हैं बेस, और जो नीचे वाला पार्ट है थोड़ा नैरो होता है, थोड़ा पतला होता है और कोन की तरह होता है, थोड़ा जैसे कोना होता है एक, तो वैसा पार्ट होता है उसको कहते हैं एपेक्स। तो ये है इसका मेन एक्सटीरियर, कि एक्सटीरियर से कैसे है शेप, इसकी साइज़, वेट, लेंथ, विथ, थिकनेस और पार्ट्स, दो पार्ट्स, ऊपर वाला बेस और नीचे वाला एपेक्स। देन पोजीशन ऑफ हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसकी पोजीशन मेनली कहाँ पे होती है। द ह्यूमन हार्ट इज़ सिचुएटेड इन द मीडियास्टिनम रीजन बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी है जहाँ चेस्ट कैविटी, उसको हम चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं, थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हैं। तो चेस्ट कैविटी के अंदर जहाँ थोरेसिक कैविटी के अंदर दोनों लंग्स के बीच में एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम रीजन। तो वहाँ पे लोकेटेड होता है हार्ट। इट लाइज ओब्लीकली, ओब्लीकली मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ए लिटल मोर टू द लेफ्ट। इसका जो एपेक्स है वो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है। हार्ट इज़ सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है एक डबल वॉल्ड सैक है जो कि पूरे हार्ट को सराउंड करती है, लेयर, पेरिकार्डियम लेयर या डबल वॉल सैक। पेरिकार्डियम की दो लेयर्स होती हैं, एक है विसरल लेयर और दूसरी है पैराइटल लेयर। तो विसरल लेयर जो है वो हार्ट की आउटसाइड को कवर करती है और जो पैराइटल लेयर है वो हार्ट के आउटर रीजन को कवर करती है। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो कैविटी है उसको हम कहते हैं, जो स्पेस है या कैविटी है दोनों लेयर्स के बीच में, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस के बीच में जो फ्लूइड है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो सीरस फ्लूइड है, ये सीरस होता है फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है पोजीशन ऑफ द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। देन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल, जो हार्ट किस से बना होता है, कितनी लेयर्स से बना होता है, जहाँ हार्ट की जो वॉल है वो कितनी लेयर्स से बनी होती है। तो हार्ट वॉल जो है तीन लेयर्स से मिलके बनी होती है।
वन इज़ एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो काफ़ी पतली होती है लेकिन वो सख्त होती है, पतली होती है लेकिन सख्त होती है। और सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, वो होती है एपिकार्डियम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन, मतलब पतली मेम्ब्रेन की बनी होती है। सेकेंड लेयर जो है वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मोटी लेयर होती है, दिस इज़ द लेयर ऑफ मसल टिश्यू, और ये कार्डियक मसल टिश्यू की बनी होती है मायोकार्डियम। और ये हार्ट वॉल की बीच वाली मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, और ये कार्डियक मसल टिश्यू की बनी होती है। सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो है एंडोकार्डियम, एंडो का मतलब अंदर, तो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर दैट लाइंस द इनर हार्ट चैम्बर्स एंड कवर्स द हार्ट वॉल्स। एंडोकार्डियम भी पतली लेयर होती है, सख्त होती है, और ये हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, हार्ट के वॉल्व्स हैं, उसको कवर करती है। तो ये होगी हार्ट वॉल, जो कि तीन लेयर्स से मिलके बनी है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। देन चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर इंटीरियरली जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हार्ट जो है वो हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू सेपरेट राइट एंड लेफ्ट सेक्शन बाय द सेप्टम। हार्ट जो है उसके बीच में एक सेप्टम होता है, एक दीवार होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। तो सेप्टम की वजह से हार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये दो सेक्शंस जो हैं, राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये दोनों सेक्शन दो दो कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट और लोअर कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है उसको एट्रिया कहते हैं, और जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो दो कंपार्टमेंट हो गए ऊपर वाले और दो हो गए नीचे वाले। तो ये चैम्बर्स जो हैं हार्ट के वो हो गए चार, दो राइट साइड पे हो गए, दो लेफ्ट साइड पे हो गए। तो राइट साइड पे हो गया ऊपर वाला राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड पे हो गया ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल राइट साइड पे, और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पे। तो ये कलर इसका क्यों ऐसे है, राइट साइड पे ब्लू कलर शो हो रहा है, लेफ्ट साइड पे रेड कलर शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड जो है हार्ट का, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सॉरी, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये हो गए हार्ट के चैम्बर्स, चार चैम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। देन वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, वॉल्व्स क्या हैं, फ्लैप्स होते हैं फाइब्रस टिश्यू के, जो कि कार्डियक चैम्बर्स के अंदर पोजिशनड होते हैं, जहाँ लोकेटेड होते हैं। तो वॉल्व्स क्या करते हैं, दे इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज इन सिंगल डायरेक्शन, कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, मतलब दो डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव करे। और वॉल्व्स ऑल्सो प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड, और ये ब्लड का बैकवर्ड फ्लो भी प्रिवेंट करते हैं, ब्लड को वापस जाने से भी रोकते हैं वॉल्व्स। तो हार्ट में मेनली फोर वॉल्व्स होते हैं, दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और दो हो गए सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो हैं वो
एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में दो हो गए, और सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर का मीन्स, ल्यूनर मीन्स चंद्रमा, सेमी का मतलब हाफ, तो आधा चंद्रमा जैसे होता है वैसी इनकी शेप होती है। और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर हैं ये हो गए दो तरह के, ये होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। सेमी ल्यूनर भी दो तरह के होते हैं, पल्मोनरी एंड एओर्टिक। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये है ट्राइकस्पिड। ट्राई का मतलब तीन, कस्पिड मीन्स कसप्स, तो तीन फ्लैप्स या तीन कसप्स का मिलके बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। और जो दूसरा है मिट्रल वॉल्व, ये होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये इसको कहते हैं बाइकस्पिड। बाई मतलब दो, कस्पिड मीन्स फ्लैप्स या कसप, तो ये दो फ्लैप्स या दो कसप का मिलके बना होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं बाइकस्पिड, या दूसरा नाम है इसका मिट्रल वॉल्व। देन सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर जो मैंने पहले बताया कि चंद्रमा, आधा चंद्रमा जैसे उसकी शेप होती है, तो ये भी दो होते हैं, पल्मोनरी एंड एओर्टिक। तो जो पल्मोनरी वॉल्व है ये सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, तो ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व या पल्मोनिक वॉल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में होता है उसको कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। तो ये चार हो गए, ट्राइकस्पिड, मिट्रल, पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। तो ये क्या करते हैं, ये एक तो ब्लड जो है वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करे ये इंश्योर करते हैं, और दूसरा ब्लड को वापस जाने से या ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। तो ये देखिए ये हैं वॉल्व, तो ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये हो गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये है मिट्रल वॉल्व, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये हो गया एओर्टिक वॉल्व, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, ये हो गया पल्मोनरी वॉल्व, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी एओर्टा, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, तो ये चार वॉल्व्स हो गए हार्ट के। तो आज हमने स्टडी किया एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट करता क्या है। तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उस में जो ब्लड मूव करता है वो उसका पंप कहाँ से होता है, पंपिंग एक्शन कहाँ से होता है, हार्ट से। तो हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को हमारे ब्लड पंप करता है, और जो ब्लड पंप होता है बॉडी में वो ब्लड क्या करता है, वो ब्लड हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, हार्मोन्स देता है, ग्लूकोज देता है, और दूसरे कंपोनेंट्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो प्रोवाइड करता है। देन हार्ट आल्सो इंश्योर दैट एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज़ मेंटेन्ड इन द बॉडी। हार्ट ये भी इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी में एडिक्वेट ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन्ड रहे। फिर है द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट सिक्योर ए वन वे ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल। वॉल्व्स जो हार्ट के हमने स्टडी किए हैं वो क्या करते हैं कि हार्ट और ब्लड वेसल्स में एक ही डायरेक्शन में ब्लड मूव हो, जहाँ ब्लड फ्लो हो, और ये बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। हार्ट सेपरेट्स द पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन विच इंश्योर द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज। हार्ट क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को सेपरेट करता है, मतलब राइट साइड हार्ट का अलग होता है, लेफ्ट साइड अलग होता है। लेफ्ट साइड में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट साइड है उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड बॉडी टिश्यूज़ हैं हमारे उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अगर सेपरेट नहीं होएगा तो दोनों ब्लड जो हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ेस हो सकती हैं या डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये है फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो आज हमने स्टडी किया एनाटॉमी ऑफ द हार्ट और फंक्शन ऑफ द हार्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।